राजस्थान के नागौर जिले के मेड़ता विधानसभा क्षेत्र के गांव पोलास के रहने वाले भारतीय सेना के जांबाज सैनिक शहीद दिलीप बिश्नोई की अंतिम शव यात्रा शुरू हो चुकी है। उनके निवास स्थान से शमशान घाट ले जाया जाएगा पार्थिव शरीर को, जहां पर उनके बिश्नोई धर्म के रीति रिवाज के अनुसार उनके पार्थिव को मिट्टी में दफनाया जाएगा। वहीं सेना की विशेष टुकड़ी साथ में मौजूद है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से शहीद के पार्थिव को उनके शमशान घाट ले जाया जा रहा है, जहाँ शहीद को सैन्य सम्मान के साथ उनके पार्थिव को पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि शहीद के साथी जवान शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हैं। यहाँ पर मातमी धुन बजा शहीद परिजनों को तिरंगा भेंट किया जाएगा। अपर समाचार यूट्यूब चैनल शहीद दिलीप बिश्नोई के श्री चरणों में सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शहीद परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं प्रकट करता है। माँ भारती के लाल ने दिल्ली में रहते हुए अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया है। उनके इस अदम्य साहस को हम नमन करते हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से शहीद दिलीप बिश्नोई को सादर श्रद्धांजलि दी जा रही है, साथ ही जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। माँ भारती के लाल राजस्थान के नागौर के मेड़ता विधानसभा क्षेत्र के गांव पोलास के रहने वाले थे। शहादत की सूचना के बाद से क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है। वह स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करी है। अब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से शहीद के लिए मातमी धुन बजाई जा रही है। माहौल यहाँ का गमगीन है, हर किसी की आंखें नम है, तो सीना गर्व से चौड़ा है कि उनके लाल ने देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया है। माँ भारती के श्री चरणों में सादर नमन व वंदन। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। जय हिंद, जय भारत।